जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली उन छोटे भाइयों बहनों के लिए है जो बार बार मेरे से पूछ रहे हैं कि सर, अगर ट्रेनिंग के दौरान कोई इमरजेंसी हो जाए, या कईयों के पता, कईयों की बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी एसएससी जीडी ज्वाइन भी करना चाहते हैं, और साथ में उनकी और भी कुछ ऐसे पेपरों की तैयारी है, यानी बहुत अच्छी तैयारी हो, पिछले 2-3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये भी डाउट है कि क्या अगर उनके कोई बड़ा एग्ज़ाम आया, जैसे एसआई का या किसी स्टेट पुलिस का ऐसे एग्ज़ाम आए, तो क्या उनको छुट्टी मिल सकती है, या ट्रेनिंग में कितने दिनों के बाद में इमरजेंसी छुट्टी मिल सकती है, और कब कब और कैसे मिलती है दोस्तों। तो ये वीडियो पूरा मैं स्पेशली उन्हीं के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। साथ में मैं बता दूँ दोस्तों कि अगर एसएससी जीडी से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो मेरे इस चैनल पर आपको उससे संबंधित सारी जानकारी है। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, वो सभी सब्सक्राइब कर ले। और पुलिस वेरिफिकेशन, एसएससी जीडी की सैलरी, और एसएससी जीडी की मतलब बेस्ट चॉइस कौन सी हो सकती है आपकी, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाए हैं, उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। साथ ही मैं बता दूं दोस्तों कि ये इमरजेंसी छुट्टी के बारे में बहुत सारे जो मेरे छोटे भाई बहन हैं वो जानना चाहते हैं, क्योंकि कई मुझे पता है पिछले 4-5 साल से अच्छी तैयारी कर रहे हैं, और उनको पता नहीं है कि अब क्या करें। कईयों की जैसे बीएड चल रही है, कईयों की ग्रेजुएशन चल रही है, तो ग्रेजुएशन और जिनकी बीएड चल रही है, पहले तो मैं उनको बता दूं कि आप कंटिन्यू रखें अपनी पढ़ाई को। ट्रेनिंग में आपको पेपर देने के इतने दिन की छुट्टी नहीं मिलती कि आप बीएड के पेपर या ग्रेजुएशन के पेपर दे सको दोस्तों। इतने दिन की छुट्टी नहीं मिलती इमरजेंसी छुट्टी कि आप बीएड के पूरे एग्ज़ाम दे लो या ग्रेजुएशन के दे लो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप कंटिन्यू रखना, जैसे आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी उसके बाद में ये पॉसिबल है, आपके 1-2 महीने की छुट्टी भी मिलती है, उसमें आप एग्ज़ाम जाके दे सकते हो दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि इमरजेंसी छुट्टी, तो सबसे पहले मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ किस किस रीजन में आपको छुट्टियाँ मिल सकती है, और कितने कितने दिन की छुट्टियाँ मिल सकती है ट्रेनिंग टाइम के दौरान दोस्तों। क्योंकि कईयों को ऐसा लगता है कि अब ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी तो हमारी इतने साल की मेहनत है, RPFSI का, CPSI का पेपर है, क्या करेंगे फिर हम। तो दोस्तों पहले बता दूं, जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी उसके पहले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन 3 महीनों में आपको इमरजेंसी लीव मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जब ट्रेनिंग के पहले मतलब 12 वीक होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इमरजेंसी लीव मिलती नहीं है, हाँ, लेकिन ओनली पहले 12 महीने जो 12 वीक की जो ट्रेनिंग होती है, मतलब 3 मंथ की, यानी आप 12 मंथ की अगर 28 दिन का है, तो 3 महीने की जो ट्रेनिंग होती है, तो उसमें आपको लीव मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। केवल एक इमरजेंसी केस में लीव मिलती है, वो होती है डेथ, कि अगर किसी के परिवार में अगर कोई डेथ हो जाए या कुछ ऐसा काम हो जाए, मतलब कोई अनहोनी हो जाए, तो उस रीजन में ही उस टाइम पर छुट्टी लीव मिल सकती है, और वो भी मैक्सिमम 5 डेज, इससे ज़्यादा लीव नहीं मिल सकती ट्रेनिंग के उस दौरान। तो दोस्तों ये तो हो गई इसके बाद, अगर 12 वीक की जो ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आपको इमरजेंसी लीव कौन कौन सी मिल सकती है। तो दोस्तों 12 वीक के बाद में थोड़ी सी ट्रेनिंग में आपको मतलब आप उस डरे में आ जाते हो, तो थोड़ी सी ट्रेनिंग में रियायत दी जाती है। तो आपको बता दूँ उसके बाद में अगर आपको इमरजेंसी लीव मिलती है, तो एक तो आपको बता दिया मैंने रीज़न कि अगर परिवार में किसी की अनहोनी हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको 4-5 दिन की लीव मिल जाती है, तो उस टाइम पे आप लीव जा सकते हो अपने परिवार के पास। तो ये तो हो गई एक प्रकार की इमरजेंसी लीव। या अगर किसी की मतलब सिस्टर की मैरिज है, तो उसके लिए उसको कम से कम, अगर वो मेडिकल रेस्ट नहीं, आपको ट्रेनिंग में क्या होता है कि कई बार चोट लगती है, कई बार हाथ के लगती है, कई बार पैर के लगती है, दौड़ने से सीनपोल में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, बॉडी में भी जकड़ रहती है, कुछ लोग क्या करते हैं उसके समय मेडिकल लीव लेते रहते हैं ट्रेनिंग के दौरान, जैसे मेडिकल रेस्ट लेते रहते हैं, तो उनका वो रेस्ट जिनका नहीं लिया हुआ होता है, यानी रेस्ट बिल्कुल कम लिया होता है, या 1 या 2 दिन का लास्ट रेस्ट लिया हुआ होता है, तो उनको ट्रेनिंग के दौरान 12 वीक के बाद में, फिर अगर किसी के सिस्टर की शादी है, तो उस केस में, इमरजेंसी केस में आपको 1-2 दिन की छुट्टी मिल सकती है, और एक आपको मैं बता दिया जो अनहोनी हो जाए तो उस समय। अब 12 वीक की जो 24 वीक की, जैसे आपको मान लो 6 महीने ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद में दोस्तों ऐसा है कि 6 महीने की ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद में, मैं मेरी ट्रेनिंग की बता रहा हूँ, मेरी 6 महीने ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद में एक दिल्ली पुलिस का पेपर देने के लिए मुझे लीव मिली थी दोस्तों, 3 दिन की पेपर देने के लिए, और एक बार राजस्थान पुलिस का पेपर देने के लिए भी लीव मिली थी 2 दिन के लिए, जिनके वो पेपर थे उनको भी मिली थी, एक बंदे को दोनों नहीं मिली थी, एक बंदे को एक ही बार मिली थी। तो आपके अगर कोई ऐसा एग्ज़ाम पेपर है, जैसे मान लो CPO SI, तो इस केस में आपको ट्रेनिंग के 6 महीने कंप्लीट होने के बाद में आपको 2-4 दिन की लीव मिल सकती है दोस्तों। अगर आपका कोई इमरजेंसी पेपर है, जैसे कोई बड़ा पेपर, जैसे CPO का हो गया,
या RPF SI हो गया या सिविल पुलिस SI हो गया, तो इन पेपरों की कंडीशन में आपका एडमिट कार्ड वहाँ एप्लीकेशन के साथ में आपका एडमिट कार्ड लगेगा और वो फिर आपके ट्रेनिंग CO है उन पर डिपेंड करता है कि वो आपको छुट्टी दे या ना दे। हाँ, मुझे ट्रेनिंग के दौरान मैंने राजस्थान पुलिस के पेपर के लिए जैसे अप्लाई किया, दिल्ली पुलिस के पेपर के लिए अप्लाई किया था, तो उसके लिए मुझे 3 दिन की छुट्टी मिली थी दोस्तों। तो आपको मैं बता दूँ, ट्रेनिंग के 6 महीने कंप्लीट होने के बाद में अगर आपका कोई पेपर है और आपकी तैयारी अच्छी है तो दोस्तों आपको पेपर की कंडीशन पर छुट्टी मिल सकती है, लेकिन 3 से 4 दिन, इससे ज़्यादा आपको लीव नहीं मिलेगी दोस्तों। तो ये बात ध्यान रखिए। हाँ, अगर 6 महीने से पहले अगर छुट्टी लेनी है तो मैंने बता दिया, उसके लिए तो इमरजेंसी केस वही हो गया, या अगर किसी के सिस्टर्स की शादी है और ज़्यादा ही इमरजेंसी है, जाना ज़रूरी है, तो वो वहाँ पर कंडीशन आपकी देखते हैं, आपके जो ट्रेनिंग कमांडेंट होते हैं वो आपकी पूरी कंडीशन देखते हैं उस समय, किसके परिवार में कौन कौन है, कौन कौन नहीं, अगर वहाँ पर है परिवार वाले तो उस कंडीशन में रोक भी सकते हैं। और अगर आपके कोई मतलब अपग्रेड पेपर हो, जैसे CPO SI हो गया, RPF SI हो गया, अगर इनके पेपर हो तो उस कंडीशन में आपको 4 से 5 दिन की लीव मिल सकती है दोस्तों। तो ये आपके ट्रेनिंग के दौरान इमरजेंसी लीव कब कब और कैसे कैसे मिलती है, तो मिलने का तरीका तो यही है आपके, जैसे अगर कोई CPO का अगर एग्ज़ाम है तो उसका एडमिट कार्ड एप्लीकेशन के साथ आपको लगाना होगा, जिस एग्ज़ाम डेट की होगी उस डेट को आपको 2-3 दिन के लिए छोड़ देंगे दोस्तों। तो ये तो हो गया फिक्स। तो दोस्तों अब आप ये मान के चलिए कि इससे ज़्यादा और आपको ट्रेनिंग में लीव नहीं मिलेगी, तो जिनके SI की वो जैसे BEd के पेपर हैं तो उनको पोस्टपोन ही करना पड़ेगा। अब इसके अलावा और आपके जहन में कौन सा टॉपिक आ रहा है कि जिसके बारे में आपको जानना है, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और बाकी लोग मुझे जिनको इंस्टाग्राम पे मेरे से बात करना चाहते हैं वो मैं नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दूंगा, आप आइए इंस्टाग्राम से मेरे से पर्सनली बात कर लीजिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। वो तो जय हिंद दोस्तों, जय।